इस्तीफा दो। मणिपुर के मुख्यमंत्री इस्तीफा दो। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। महिलाओं पे अत्याचार बंद करो। बंद करो, बंद करो। महिला शक्ति जिंदाबाद। महिला शक्ति जिंदाबाद। महिला शक्ति जिंदाबाद। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। महिला शक्ति आगे बढ़ो। सरकार चीफ मिनिस्टर रिजाइन करो। रिजाइन करो, रिजाइन करो। राजस्थान गवर्नमेंट हाय हाय। हाय कर दिए। महिलाओं को तंग करना बंद करो। बंद करो, बंद करो। महिलाओं को तंग करना बंद करो। बंद करो, बंद करो। महिलाओं को तंग करना बंद करो। बंद करो, बंद करो। मणिपुर का ये मणिपुर और राजस्थान में जो हमारी बच्चियों के साथ गलत हुआ है, उसके लिए हम ये आज ये प्रोटेस्ट निकाल रहे थे। आप देखो, भाजपा का नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो बड़ी दूर की बात है, आज हमारी बच्चियों के साथ इतना गलत। मैं कहती हूँ इस चीज़ को देखकर हम लोगों की, आम इंसान की रूह काम गई, मगर ये सरकारों की तरफ से कोई हिलचिल नहीं। मैं कह रही उन लोगों को, जिन लोगों ने ये गलत किया है, उन लोगों को शरेआम फांसी देनी चाहिए। उनके लिए कोई लाह नहीं होना चाहिए, ऐसे काम करने वालों के लिए कोई लाह नहीं होनी चाहिए, उनको शरेआम फांसी देनी चाहिए। मैं आज आप बताइए, इसी कंडीशन में अगर ये चीज़ें चलती रही तो हम अपनी बच्चियों को बाहर पढ़ने के लिए कैसे भेजेंगे? हमारी बच्चियों का भविष्य बिल्कुल ख़त्म। आज हमारी महिलाओं के साथ पहले घर में गलत होता था, आज ये शरेआम सड़कों पर गलत हो गया। इसका मतलब लोगों को, सरकारों का कोई डर नहीं रहा, कानून बिल्कुल फेल है। हम लोगों की अपील है कि दोनों सीएम को, ये राजस्थान और मणिपुर को सीएम को इस्तीफा देना चाहिए। मैं कहती हूँ अगर उनमें कोई शर्म है, उन सीएम में कोई शर्म है, उनको खुद इस्तीफा देना चाहिए और वहाँ पे गवर्नर राज लगना चाहिए। अगर यहाँ पे 5 साल से गवर्नर राज लग सकता है तो वहाँ पे गवर्नर राज क्यों नहीं लग सकता? अगर हमने देखा 1-2 दिन तक इसके बारे में कुछ नहीं हुआ, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी सड़कों पर उतरेगी, इसकी जिम्मेदार फिर सरकार खुद होगी।